हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। अच्छा जी, मैं जो है ना ट्यूटोरियल शूट करने लगी हूँ मुल्तानी मिट्टी का। सफ़ा फातिमा है, काफ़ी देर से मुझे कह रही हैं जी मुल्तानी मिट्टी की क्रम्बलिंग करें। तो मुल्तानी मिट्टी जो है ना, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। ये बारिशों की वजह से ना इसकी हालात ऐसे हो गए। अब इसको मैं ना पानी में डिप कर रही हूँ, इसको अगेन जो है ना वो रेडी करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रेडी करेंगे फ्रेश जो है ना प्योर मड। इस ये हार्ड पता क्यों हुई है, मम्मा ने ना इसमें कहीं ना फ्रेश जो है ना वो प्योर मड ऐड कर दी है, ठीक है, जो बिल्कुल चिकनी होती है, तो इस वजह से ये हार्ड हो गई है। तो इसलिए मैंने इसको अब इसमें डाल दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए। ये देखें, ये तो मेल्ट भी नहीं होएगी जल्दी, तो ये मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ ताकि ना इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए मेल्ट होने का। फिर हम जो है ना इसका दूसरा पार्ट जब शूट करेंगे ना, जब इसमें और ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी ऐड करके तो ट्यूटोरियल बना देंगे। तो ये मैंने ना इसको सोक करना था, मैंने कहा चलें ये पार्ट आपके साथ शेयर किया जाए, फिर जो है ना प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लें कि ये जो है ना प्योर मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है, मैं प्योर भी डालूँगी। अभी तो है ना मेरे पास जो रेडी हुई थी ना, ये भी हार्ड ही हो गई है, तो इट्स मीन कि ये प्योर ही है, ठीक है, यानी क्रम्बल नहीं हो रही। जो सॉफ्ट होती है ना वो तो क्रम्बल हो जाती है, ये नहीं हो रही, ये सॉफ्ट मुल्तानी मिट्टी नहीं है, ठीक है, ये हार्ड हो गई है। इसलिए इसको ना डाल दूँगी और इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। पानी जो है ना काफ़ी है, इनफ है, पानी बाद में भी डालना है, इसलिए मुझे चाहिए थिक पेस्ट, ठीक है। तो बस इसको रख देंगे, इसमें जितना पानी सोक होना होगा करके, तो ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी, सही है। सो अब जो है ना नेक्स्ट पार्ट में जो है ना मैं इसका आपको प्रोसेस सिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल। अच्छा जी, मैंने पिछले पार्ट में जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई जो मुल्तानी मिट्टी है उसको मैंने भिगो दिया था, ठीक है, अब हमने इसका टेक्सचर बनाना है, ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो ये देखें, ये दो टेक्सचर हैं, दो जगह हैं। ये मुल्तानी मिट्टी है जिसको मैंने भिगो दिया था, इसको बाद में कुछ भी नहीं किया, छेड़ा तक नहीं इसको मैंने, ठीक है। और ये टेक्सचर, ये पानी है, हमने टेक्सचर बनाना है अब, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड हो गया था, इसमें ना मम्मा ने फ्रेश मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दी थी। तो आप मुल्तानी मिट्टी को सॉफ्ट कैसे किया जाता है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, हाँ जी, ठीक है, ये देखें, ये मैं इसमें सारा का सारा पोर करी जाऊंगी। मैंने ज़्यादा पानी लिया है, इसमें मैंने और मड ऐड करनी है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। पहले हम इतना ही टेक्सचर जो है ना डाल देते हैं। मैं आप लोगों को बस बता रही हूँ कि किस तरह से मुल्तानी मिट्टी को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझे कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये हार्ड वाली मुल्तानी मिट्टी है, उसको पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद आप लोगों ने उसको निकाल के साफ़ पानी में डालना है, ज़्यादा सारा पानी, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि फूलने का वो सीमेंट को जो है ना फूलने का जगह मिले। अब ये मैं इसमें सारा का सारा पोर कर रही हूँ। मेरे पास जो एक मेरे पास और भी फ्रेश है, लेकिन वो नीचे पड़ी हुई है, मुझे याद नहीं रहा वो भी लाना, मैं क्यों ना उसको मैं दोबारा से फिर व्लॉग में जो है ना एक झटपट सा शेयर कर दूँगी, ठीक है। अभी इसको बना लेते हैं। ये देखें, अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसको बेचारे को टाइम ही नहीं मिला मतलब कि वो बनाने का ना। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है जैसे भुरभुरी सी नहीं होती, वैसे हो जाती है। ये देखें, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। स्टील पॉट इसलिए लिया कि बाकी सारे टप शप जो है ना वो बुक शुक हैं, तो ये जो है ना मेरे पास था और इसमें टेक्सचर बन भी जाना थे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल एक लिक्विड बन जाए,
देन फिर हम इसमें सीमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। सीमेंट ज़्यादा भी नहीं ऐड करना, ना ही ज़्यादा कम ऐड करना। फ्रेश है मेरे पास तो मैं थोड़ा नॉर्मल ही ऐड करूँगी, कम ऐड करूँगी मीन्स के अगर तो मेरे पास फ्रेश होता ना, थोड़ा सा रीयूज़ होता या थोड़ा सा पुराना होता तो फिर मैं उसमें जो है ना वो ज़्यादा ऐड कर देती, बट ये जो है ना मेरे पास प्योर फ्रेश सीमेंट है जो कि मैंने मंगवाया था। मैं कम क्वांटिटी में मंगवाती हूँ क्योंकि मैं जो है ना सीमेंट से ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती, सीमेंट वो हार्मफुल है आपकी जो है ना वो हेल्थ के लिए, इसलिए मैं जो है ना वो यूज़ नहीं करती, मेरे हाथों पे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है। ये देखें ठीक है, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर जो है ना, बल्कि इसको एक दफ़ा सिफ्ट कर लेना चाहिए मुझे ताकि ना इसके अंदर जो ग्रेन्स वगैरह है ना वो निकल जाए। ये देखें ये जो सारे ग्रेन्स है ना इसके, ये निकल जाए। ये पता नहीं कौन बच्चे हैं जो सुबह सुबह उठते साथ ये शुरू हो जाते बजाना। अब जब तक ये टूटेंगे नहीं ना तब तक इनको सुकून नहीं होगा। चले ऐसे ही सीमेंट डाल देते हैं, ठीक है, वो टेक्सचर नीचे ही बैठ जाना है सारा, या शिफ्ट ही करो। चले मैं शिफ्ट करती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये जो है ना मुल्तानी मिट्टी से निकला है उसका कचरा सा, ठीक है, जो कि हमें इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ये मैंने पता है कैसे इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको भी अच्छे से मस लूँगी ताकि ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना इसके ऊपर जो भी लगी है वो निकल जाए। ये देखें इस तरह से आपने वॉश कर लेना, ठीक है। अब ये जो है ना जितनी है ये सारी की सारी मैं निकाल दूंगी बाहर, किसी भी चीज़ में निकाल दूँगी। अगेन से इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ करके, ये देखें ये सारी की सारी जो है ना जैसे सैंड बैठती है ना वैसे मुल्तानी मिट्टी के अंदर ये जो ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स भी नहीं है ये, बस उसका जो है ना वो जैसे वो होती है ना परत सी एक होती है सख्त सी, वो आती है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके देखें पानी खोल दिया मैंने, अब इसका पानी निकलता जाएगा खुद ब खुद। ये प्रोसेस भी आपको दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोग जो है ना सारी मुल्तानी मिट्टी वेस्ट ही ना कर दो। वो आगे बड़ी एक्सपेंसिव है। अच्छे से साफ करना है, ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी खोल के उसको साफ करते जाना आपने। ये पानी निकलता जाएगा और ये टेक्सचर ऊपर आपको जाएगा, ठीक है। इस तरह से मसलते जाएं और जब आपको लगे कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया मुल्तानी मिट्टी का पानी, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा अब मैं इस तरह से ना निकालते जाऊँगी इसका, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से आपने अभी भी ये है, जब इसका बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा ना येलो पार्ट यानी मुल्तानी मिट्टी चिपचिपकाहट से वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो है ना मुल्तानी मिट्टी का कचरा, ये देखें ये मैं निकालती जाऊँगी,
इस तरह से ना प्रोसेस करना है आपने, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी को इस तरह से साफ़ करना है। फिर आपका टेक्सचर जो है ना बिल्कुल बिल्कुल भी जो है ना हार्ड नहीं होगा कभी भी, और दूसरा ये कि ईजी क्रम्बल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा इसका जो है ना ये सैंड वाला पार्ट है, जैसे हम मड में सैंड निकालते हैं ना ऐसे इसमें ये निकालना होता है। ज़्यादा पानी नहीं है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो जी अब इसको जो है ना मैं अच्छे से फ़िल्टर्ड करके ना फिर आपके साथ मिलती हूँ। अच्छा जी अब जो है ना ये देखिए मैंने ना इसको एक वेस्ट टब में डाल दिया मुल्तानी मिट्टी को, ठीक है। अच्छे से वॉश करने के बाद जितना इसका लिक्विड था ना सारा का सारा डाल दिया, और इसका जो पेस्ट है ना वो सारा का सारा नीचे बैठ गया, ठीक है। ये पेस्ट लाजमी रखना है, बाकी आपने जो शिफ्ट करना था वो शिफ्ट कर देना है, ठीक है। वो सारा कचरा, वो जो मोटा मोटा कचरा है, वो जो हाथों में चुभता है वो हार्ड करता है टेक्सचर को, वो आपने निकाल दिया, ठीक है। अब बारी इसमें है जी ऐड करने की सीमेंट। सीमेंट ऐड करते हैं, एक छोटा बॉल लेंगे, ठीक है। अब उसमें जो है ना मैं ये देखें ये तकरीबन हाफ है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। अब थोड़ा सा और बस ये देखें, ठीक है, पूरे से कम थोड़ा सा डाल लें बस, बाकी आपने ना अपने हिसाब से देख लेना कि आपका टेक्सचर कितना ज़्यादा है तो आपने उसमें कितना टेक्सचर ऐड, उसमें कितना सीमेंट ऐड करना है, ठीक है। मैं इसमें कोई और चीज़ चारकोल वगैरह कोई कुछ नहीं ऐड करी, क्योंकि इसका जो नेचुरल कलर है वो बड़ा प्यारा है, येलो, बिल्कुल फुल येलो टोन में है, ठीक है। तो मैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका कलर, तो हम जो है ना वही यूज़ करेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हाथों की मदद से, ताकि जो है ना ये आपका टेक्सचर जो है ना हर जगह से मिक्स हो जाए अच्छे से, ठीक है। अगर आप ऐसे बाउल वगैरह से मिक्स करते हैं ना तो वो नहीं मिक्स होगा। ये देखें ये नीचे से जो जमा हुआ ना ये भी निकालना है, ये सारा का सारा जो तह में बैठ जाता है। इसको बनाते बनाते बड़ा ही गंद मचा है, हर जगह बिखरा हुआ है। अब ये देखें अब इसको अच्छे से ना इस तरह से जैसे हम चाय बनाते हैं ना हैंड में, ताकि इसके अंदर जो है ना लम्स नहीं बनेंगे, और ज़्यादा देर हाथ नहीं रखने सीमेंट के अंदर या टेक्सचर के अंदर के खेलते रहो नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये छोटा बाउल मेरे पास बना है, ये देखें कितना गंद मचा हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सीमेंट ऐड करती हूँ, ये देखें ये देखें ये ज़्यादा है, ये मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, बाकी जो है ना मैं किसी और जगह डाल दूँगी, बल्कि मुझे सही लग रहा है, सही है, पूरा ही है। मुल्तानी मिट्टी हार्ड होती है इसलिए इसको सीमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसमें कौन सा सैंड है जो कि टेक्सचर को जो है ना वो हार्ड कर देगी, ठीक है। सैंड वाले टेक्सचर में जो है ना सीमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, उसको दोबारा से क्रश किया जा सकता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, ये देखें ये देखें ये देखें, सही है। चलो अब ये हो गया हमारा, ये पार्ट भी कंप्लीट, ये सेकंड पार्ट था, और अब थर्ड पार्ट से इसका ट्यूटोरियल का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। सो होप्स हो कि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। मेरे हाथों में चुभन होने लगी है, मैं तो जल्दी से हाथ धोकर नीचे जा रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।